नमस्कार, मैं हूं जयेश और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। कांग्रेस पार्टी अब उस फूफा जैसी बन चुकी है जो हर बात पर नाराज होते रहते हैं कि हमें बाकी मेहमानों की तरह तवज्जो नहीं दी गई। इस बार भी कांग्रेस पार्टी के कई नेता इस बात से नाराज दिख रहे हैं कि उनकी पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को G20 के किसी भी कार्यक्रम में नहीं बुलाया गया। कांग्रेस पार्टी की यह नाराजगी लाजमी है। ऐसा इसलिए क्योंकि उनकी सरकार के समय यही होता आया है। सोनिया गांधी अध्यक्ष होते हुए विदेशी मेहमानों को ऐसे अटेंड करती थी मानो वे खुद देश की प्रधानमंत्री। बहरहाल, सीधी और साफ बात यह है कि यह कोई राजनीतिक भोज नहीं था, इसलिए किसी भी राजनीतिक पार्टी के अध्यक्ष को नहीं बुलाया गया था। जिन विपक्षी नेताओं को बुलाया भी गया वो इस राज्य के मुखिया के तौर पर आए थे, न कि राजनीतिक दल के मुखिया बनकर। अच्छा, यहाँ एक विचित्र बात यह है कि मात्र कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि उनके अध्यक्ष को नहीं बुलाया गया है, बाकी राजनीतिक पार्टियां यह कहते हुए फिलहाल नजर नहीं आ रही हैं। इसका एक ही अर्थ है कि कांग्रेस पार्टी आज भी पार्टी के पद को एक संवैधानिक पद से बड़ा मानती है। उसके लिए देश प्रथम नहीं है बल्कि पार्टी प्रथम है। अगर ऐसा न होता तो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष स्वतंत्रता दिवस समारोह के दिन लाल किले के परिसर में मौजूद होते, न कि अपने घर या पार्टी कार्यालय में झंडा फहरा रहे होते। खैर, आगे बढ़ते हैं। उधर कांग्रेस नेता शशि थरूर तो इसे लोकतंत्र से जोड़ते हुए कह रहे हैं कि कोई भी अन्य देश अपने ही संसदीय सहयोगियों की ऐसी उपेक्षा नहीं करेगा। अरे भाई, उपेक्षा तो आपने की है, उन दलित राष्ट्रपति की जिन्होंने आपकी ही सरकार के 4 मुख्यमंत्रियों को रात्रि भोज का न्योता दिया था और उनमें से 3 मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, भूपेश बघेल और सिद्धरमैया ने आने से इनकार कर दिया। क्या यह देश का अपमान नहीं है? इस पर राजस्थान और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री सरेआम झूठ भी बोलते हैं कि उनके हेलीकॉप्टर को परमिशन नहीं दी गई। इस पर गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि उनकी किसी भी परमिशन को नकारा नहीं गया है। अब सवाल ये भी है कि भाई, हिमाचल के मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर को फिर कैसे परमिशन मिल गई? खैर, इसी तरह कर्नाटक के मुख्यमंत्री का पहले से कोई प्रोग्राम था तो वे नहीं आए। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि राष्ट्रीय महत्व के इस प्रोग्राम से भी बड़ा प्रोग्राम उनका था क्या। अगर वाकई में केंद्र सरकार को उपेक्षा ही करनी होती तो इंडिया अलायंस के किसी भी मुख्यमंत्री को आमंत्रित नहीं किया जाता। अब आप इन तस्वीरों को देखिए, ये भारत के लोकतंत्र की असल तस्वीरें हैं जहां प्रधानमंत्री अपने विपक्षी नेताओं को दुनिया के नेताओं से मिला रहे हैं। ये वही नीतीश कुमार हैं जो रात दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोध में मोर्चा खोले हुए रहते हैं, लेकिन फिर भी वे उन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति से मिलवाते हुए नजर आ रहे हैं। भला लोकतंत्र का इससे बड़ा परिचय और क्या हो सकता है? बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पैम्फलेट।